खुला है, सेवादास ने प्याऊ खोला है और अपने पिता के नाम पर जमुना शाह धर्मशाला बनवा रहे हैं। प्याऊ व्याऊ से तो कोई अमर होता नहीं बांकेलाल जी। और जहां तक धर्मशाला का सवाल है भाई, खर्चा बहुत आता है। अब आपको पता है ये पिछले साल मैंने मंदिर शुरुआया था, गांव वालों को कितना काम आ रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक स्कूल खुलवा दिया जाए। पंडित जी एक बार गांव वालों की मीटिंग बुला लीजिए और समझा दीजिए कि आपने अपने गांव को शिक्षित बनाने का संकल्प ले लिया। और मास्टर बेरोजगारी बहुत है, मिल जाएंगे, किताबें भला आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे मगर आदमी नहीं होते। ये मामला सस्ते में हो जाएगा। कितने सस्ते में हो सकता है? यही कोई 5,000। 5,000? नहीं नहीं, 5 तो बहुत ज्यादा है। इससे कम में तो अच्छा मास्टर नहीं मिल सकता। वैसे कितने तक भाई? 1,000 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 1.5। अच्छा, मेरे दिमाग में एक लड़का है, मैं उसे बुला लेता हूँ, अब से बात कर लीजिए। पापा मुझे बैट बॉल आके दीजिए ना। हाँ बेटा, जरूर ला लेंगे, जरूर लाएंगे, जरूर लाएंगे। हाँ हाँ बेटा, खरीद देंगे खरीद देंगे। एक मांगोगे तो 1,000 खरीद देंगे। पैसा तो फट रहा है ना, लुटा रहे हैं। मैं पूछती हूँ क्या जरूरत है स्कूल खोलने की? तुम नहीं समझोगी। मैं क्यों समझूंगी, मैं तो बेवकूफ हूँ ना। चलाक तो बस एक तुम ही हो। एक बात जान लो मेरी, दिन भर यहाँ गांव के बच्चे शोर मचाए, मैं ये नहीं सह सकती। मेरी बात सुनो तो। अरे सुनो तो इधर। क्या है? मैं बता रहा हूँ ना। ओहो, अरे भाई ऐसा है कि आजकल समाज सेवा बड़े लोगों का शौक है। कोई जरूरत नहीं है ऐसे शौक पालने। मेरी बात तो पूरी हो जाने दो, बीच में टपक पड़ती हो हमेशा। 7 पुश्तों से हम लोग इस गांव के मालिक हैं। लाखों का कारोबार है, सैकड़ों एकड़ जमीन है, बल्कि अब तो हमारा काम शहर में भी फैल रहा है। ऐसे में अगर एक स्कूल यहाँ खुलवा देंगे हम, तो लोगों को लगेगा कि हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं। और खर्चा क्या आएगा है? मास्टर की 1 महीने की तनख्वाह है और कुछ कागज रजिस्टर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी सोनू और ये गोलू, इनको मास्टर सुबह शाम पढ़ा दिया करेगा मुफ्त में। अब बताओ बेवकूफ हो के नहीं हो? रहने दो ना, ठीक है। द्वितीय श्रेणी में पास किया आपने इंटर? जी जी, पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार का पूरा बोझ मुझ पे आ गया था। परिवार में और कौन कौन है आपके? जी एक बूढ़ी माँ है और एक सयानी बहन है। इस नौकरी के लिए क्या अपेक्षा रखते हैं आप हमसे? हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, मजबूर। आप सोच समझ के जो मेहताना तय करेंगे वो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्कूल में पढ़ाते समय मैं अपने परिवार की भी देखभाल कर सकूं। मेहनताने के तौर पर आपको हम 1,000 रुपये महीना दिया करेंगे, ठीक है ना? सर 1,000 रुपये में क्या होगा? अच्छा चलिए 1,500 रुपये। रहने के लिए आपको हवेली में ही इंतजाम हो जाएगा और खाना भी आपका हवेली से मिल जाया करेगा। हुजूर मुझे अपनी माँ बहन का भी देखना है, अगर उन्हें यहाँ लिया था तो। देखिए ऐसा है कि माँ और बहन को कुछ दिन के लिए भी वहीं रहने दीजिए, बाद में उसका इंतजाम कर देंगे हम लोग। आपको पंडित जी के बच्चों पर खास निगरानी रखनी होगी, हमारा गोलू डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। आइए मास्टर जी, खाना खा लीजिए। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले आबादी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा
का नजर सूखा सूरज बाजा रहा। फिर से बोलो बेटा। C-O-T cat। C-O-T नहीं बेटा, C-A-T cat। cat माने बिल्ली। C-A-T cat। मास्टर जी टाइम पे आके खाना खा लिया कीजिए, रोज रोज बुलाने आना पड़ता है। अब चलिए भी। सुनो, कितनी बार कहा तुम्हें कि कोई बासी रोटी हो तो मास्टर को दे दिया कर, और ये दूध बाहर क्यों रखा तूने? बिल्ली ने जूठा कर दिया था, बाफ एक दूर से। मास्टर को दे दे, जा। ये आपको कैसे पता चला? ये खुद मैंने अपने कानों से सुना। ठीक है, मैं पंडित जी से बात करता हूँ। तुम अपनी माँ और बहन को ले आओ। लेकिन मैं उन्हें रखूंगा कहाँ? कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। लेकिन ये बात आप पंडित जी से मत कहिएगा, क्योंकि बिल्कुल नहीं कहूंगा। पैसा मिला? पंडित जी शहर गए हुए हैं, 3 दिन बाद वापस लौटेंगे। दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया है। देखता हूं कुछ हो। देखने से कैसे चलेगा रे, यहां तो खाने के भी लाले पड़े हैं। ऊपर से सयानी लड़की है, उसके हाथ पीले हो जाए तो मेरी छाती पर से बोझ हट जाए। तू चिंता मत कर माँ, भगवान परीक्षा ले रहा है हमारी। जानते हो मास्टर जी, आज मेरे मामा आने वाले हैं। अच्छा, मामा क्या लाएंगे बेटा? मेरे लिए जूते, कपड़े, टोपी और स्कूल बैग भी लाने वाले हैं। और आपके लिए क्या लाने वाले हैं? बेटा आपके मामा तो मुझे जानते तक भी नहीं। जानते हैं, पापा ने फोन पे बताया था। तो आपके मामा मेरे लिए रुपए लाएंगे? हाँ। चल बेटा छुट्टी अब। ये! कैसा चल रहा है मास्टर जी? बस ठीक ठाक चल रहा है। आप जानते हैं ना, पंडित जी के साले साहब आ रहे हैं, विदेश में कई साल रहे हैं, पढ़ाई भी वहीं की है, और आजकल आगरा में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। सज्जन आदमी है, तुम्हारी उनके साथ खूब बनेगी। एक बार कॉलेज में तुम्हारी ट्रेनिंग करवा दी तो सरकारी स्कूल में नौकरी भी मिल जाएगी, लाइफ सुधर जाएगी तुम्हारी। हाँ अच्छा वो फोन पे मैंने आपको अपने स्कूल के बारे में बताया था ना? अरे हाँ, ये बहुत अच्छा किया आपने। हिंदुस्तान के ग्रामीण इलाकों में वैसे भी स्कूलों की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। मास्टर कौन है? एक बहुत ही अच्छा लड़का मिल गया है, आपने दिलवाया है। अच्छा, रामनाथ नाम है उसका। अच्छा, बीएड है? नहीं खैर, बीएड तो नहीं है। अच्छा चलो मैं कल आता हूँ स्कूल, देखता हूँ क्या स्कूल खोला आपने। हाँ, जरूर। क्यों नहीं? एक कमीज तो फटी हुई थी।
तो दिन दिन दुबली क्यों होती जा रही है? हैं? चिंता मत किया कर, भगवान ने चाहे सब सब ठीक हो जाएगा। हैं? किताबें रख दी। से कुछ रुपए मांग जाना। आज नहीं मां, घर में आटा खत्म हो गया है, दाल भी नहीं है। तो नमक के साथ चावल खा लेंगे ना मां? बेटा चावल भी नहीं है। बेटा 150 रुपया जरूर लेके आना, कहते ना अगले माह तनख्वाह में से काट लेंगे। मुझसे नहीं मांगा जाएगा। क्यों ना मांगा जाएगा बेटा? उनके यहाँ मेहमान आए हुए हैं माँ। पकला है मेरा बेटा, अरे मेहमान के सामने मत कहना, धीरे से ले जाके एक तरफ बोल देना। बेटा 500 रुपए जरूर लेके आना, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको बताऊं लक्ष्मी का दूसरा नाम। देखो बच्चों, कृष्ण और सुदामा बचपन के दोस्त थे। जब दोनों बड़े हुए तो कृष्ण द्वारिका के राजा हो गए, सुदामा किसी गांव में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। सुदामा बहुत गरीब थे, उनके पास खाने को न चावल न दाल न आटा कुछ भी नहीं था। दुकानदारों ने उनको उधार देने से मना कर दिया। फिर सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि तुम्हारे मित्र कृष्ण तो द्वारिका के राजा हैं, तुम क्यों नहीं उसके पास जाते? अकला है मेरा बेटा, मेहमान के सामने मत कहना, धीरे से ले जाके एक तरफ बोल देना, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 500 रुपए जरूर लेके आना। तो सुदामा की पत्नी पड़ोसन से 2 मुट्ठी चावल लेके आई और सुदामा उसको लेके गए। कृष्ण ने देखा और कहा, फिर क्या हो माता जी? तो बच्चों, दुनिया में हर कोई सुदामा होता है और हर सुदामा का कोई ना कोई कृष्ण। भाई साहब, आपको तो मालूम है हम इसे एक आदर्श विद्यालय बनाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते इसमें कोई कमी रह जाए। हमारे साले साहब का मानना है कि आपके पढ़ाने का ढंग ही गलत है। मुझसे कोई गलती हो गई क्या मास्टर जी? जैसा स्कूल आपका है, ऐसे स्कूल अगर सारे देश में हो जाए तो इंडिया तो बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा। मगर मैं तो पूरी मेहनत करता हूँ, समय से आता हूँ, समय से जाता हूँ, बच्चों पे पूरा ध्यान देता हूँ। उससे क्या होता है मास्टर जी, एकदम मनोज सा पढ़ाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल निर्जीव। थोड़ा हंस के पढ़ाया कीजिए मास्टर जी, हंस के। दुनिया के सभी बड़े विचारकों का यही मानना है। जेम्स एडम्स ने कहा है कि शिक्षक को हंसते हंसते पढ़ाना चाहिए, और रूसो का भी यही कहना है कि जो शिक्षक अपने बच्चों को हंसते हंसते नहीं पढ़ाता, उसके विद्यार्थी हीन भावना वाले, निराशावादी और चरित्रहीन हो जाते हैं। समझ गए ना जी? मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मैं जरा भी आया मास्टर जी, जरा सुनिए। वो ऐसा है कि
कल हमारे साले साहब फिर स्कूल आ रहे हैं, तो जरा ढंग से पढ़ाइएगा, हंसते हंसते। हमारी इज्जत का सवाल है, समझ रहे हैं ना? जी समझ गया, आपसे एक बात करनी थी। अजय सुनिए, अब इसे और पैसे मत दे दीजिएगा, इसको तो हमेशा घटा ही रहता है। बेटा क्या हुआ, रुपए मिली? वो माँ, वो मैंने नहीं मांगे। बेटा क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ मैं। अनमना सा होकर बिस्तर पर क्यों पड़ गया रे? हाँ माँ, मैं अब पढ़ाने नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या बात है, कुछ कहा उन लोगों ने? पंडित जी के साले कहते हैं कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, कहते हैं कि पढ़ाना है तो हंसते हंसते पढ़ाओ। बेटा तू हंसकर पढ़ा दिया कर, हंसने में क्या है? तू नहीं समझती माँ, मुझसे हंसते नहीं बनता, मैं हंस नहीं सकता माँ। अरे बेटा हंसना कौन सी बड़ी बात है, मैं हंसकर बताती हूँ। रेशम जैसी हस्ती खिलती, नब से आई एक किरण, आंचल भरकर मीठी मीठी खुशियां लाई एक किरण। चलिए चलिए बच्चों, सुबह हो रही है, सूरज पूरब से उग रहा है, उसकी एक किरण धरती पर अपने आंचल में खुशियां खुशियां लेकर आती। हंसना कौन सी बड़ी बात है, मैं हंसकर बताती हूँ, देख मुझे। कल की बात भूल गया मास्टर जी? जी नहीं, कोशिश करता हूँ। पढ़ाई पढ़ाई जी, हंस की पढ़ाई। तो बच्चों आगे कवि कहता है कि एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण। कवि कहता है बच्चों, अंधेरा दुख का प्रतीक है और उजाला सुख का, एक किरण के आने से सारा अंधेरा गायब हो जाता है और उजाले उजाला हो जाता है। रोनी सूरत क्यों बना लेते हैं आप, हंसने में ला जाती है आपको? अरे थोड़ा हंस के बनाइए, क्या आने वाले समय के नागरिक हैं, देश का भविष्य इनके हाथ में, बढ़ाइए। आगे कवि कहता है बच्चों, कैंदेरा दुख का प्रतीक Thank you.
आदमी इस काम के बिल्कुल लायक नहीं है। आप इसके हाथों इन बच्चों का भविष्य मत बिगड़वाइए। देखा ना आपने कैसे रो पड़ा अभी। आप एक काम कीजिए, इसे नौकरी से निकाल दीजिए। मैं कल शहर जा रहा हूँ, एक अच्छा सा मास्टर भेज दूंगा। चलिए बहन, गांव छोड़ के कहाँ जा रही हो? बस यहाँ का इतना ही दाना पानी लिखा था। वो पंडित जी है ना, उन्होंने मेरे बेटे को नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया क्यों? कहते हैं हंसो, अब बता दुखियारे क्या हंस सकते हैं? अब कहाँ जाओगी बहन? जहाँ रोने वालों को भी रोटी मिल जाती है।